खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे यूपी के एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत का गांजा बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धमतरी बस स्टैंड में दो युवक बड़ी मात्रा में अपने पास गांजा रखे हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। वहीं तलाशी लेने पर दोनों के पास से करीब 21 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। पास उनका लोकेशन पता चला तो यहाँ से टीम रवाना की गई। टीम द्वारा उनको धर पकड़ करके जब उनसे पूछताछ की गई तो उसमें से एक धर्मेंद्र सोनकर करके है, ये यूपी का है, और एक अपचारी बालक है। इन दोनों से गांजा बरामद हुआ है और आगे कार्रवाई की जा रही है।